क्या दोस्तों आपकी फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर रखा है, या आपको लगता है कि आपकी फेसबुक आईडी हैक है? तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी फेसबुक आईडी हैक है या नहीं, और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी फेसबुक आईडी को कैसे सिक्योर कर सकते हो, जिससे कि भविष्य में आपकी फेसबुक आईडी कभी भी हैक ना हो। तो नमस्कार फ्रेंड, मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टेक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने फेसबुक में चले जाना है, और फेसबुक में जाने के बाद आपको यहाँ से अपने मेनू में चले जाना है, और मेनू में जैसे आप जाएंगे तो आपको नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दे रखा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको चौथे नंबर पे सेटिंग दिख रही होगी, आपको उस पर भी क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ से सिक्योरिटी के नीचे ऑप्शन दे रखा है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, आपको इसके क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको लगता है कि आपकी आईडी पे किसी ने गलत पोस्ट की है, या आपके फ्रेंड को किसी ने गलत कमेंट किया है, तो आपको सबसे नीचे चले जाना है स्क्रॉल करके, और नीचे आपको इस पर दे रखा इफ़ यू थिंक दैट योर अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और दोस्तों आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोडिंग लेगा, और इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ से आपको एक कारण बताना है कि आपका किस कारण से फेसबुक आपको लग रहा है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। तो मैं दोस्तों यहाँ से पहले वाले कारण पे क्लिक कर लेता हूँ, इफ़ हैव फाउंड ए पोस्ट मैसेज और इवेंट डैट आई डिड नॉट क्रिएट, इस पर कंटिन्यू कर लेना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। तो कुछ देर चेक करेगा ये कि आपका है या नहीं, तो आपको यहाँ से आपकी एक्टिविटी दिखाएगा कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 फोटो डाले थे। अगर आपको लगता है कि 4 आपने डाले थे उसकी जगह एक आध अगर ज़्यादा है तो आपका हैक है। उसके बाद फ्रेंड एंड फॉलोवर्स, तो आपके 2 फ्रेंड और 2 फॉलोवर्स बड़े हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, एक और बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से वेयर आर यू लॉग्ड इन, इस पे आपको सी आल पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप सी आल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका फेसबुक आईडी जिन जिन फ़ोन में लॉगिन है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों ओप्पो C1 आगरा इन इंडिया, ये मेरा फेसबुक, ये मेरा फ़ोन है, इसमें लॉगिन है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ओप्पो C1 आगरा, ये भी मेरा फ़ोन है, इसमें ये मेरी आईडी लॉगिन है। और आपको और जो भी है ये मेरे फ़ोन में नहीं है, ये मेरा फ़ोन नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे लॉग आउट कर दूंगा। और 3 बिंदु यहाँ पे आपको देख रहे हैं, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अब आपका किसी भी फ़ोन में आपकी फेसबुक आईडी नहीं चल रही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक को ऐसा कर लें कि आपको फेसबुक आईडी कोई हैक नहीं कर पाए, तो आपको इसके थोड़े से नीचे स्क्रॉल करके जाना है। आपको यहाँ पे दिखता होगा 2-फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको ऊपर वाले मेथड को चुन लेना है, जो दोस्तों मेरा चुना हुआ है, आपको यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।